सोलफ्रेंड टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में एक ब्लूटूथ या फिर आप उसको निक बैंड भी कहते हो उसको ही आज हम बनाने वाले हैं। मात्र 50 से लेकर 60 रुपए में बन जाएगा। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले दोस्तों आपको पीवीसी पाइप ले लेना है जो कि 40 एमएम पीवीसी पाइप है और इसकी दोस्तों हमने मोटाई रखी है कम से कम 1 सेंटीमीटर और इसको हम हॉट गन की मदद से गर्म कर लेंगे। आप चाहें तो दोस्तों गैस पर भी गर्म करके इसको कर सकते हैं दोस्तों। और इस प्रकार के हमें दो पैन लेने हैं और यहाँ पर इसको इस प्रकार से डाल के अंदर और इनको इस प्रकार से खींच देना है जो कि इस प्रकार से सेम में हो जाएंगे दोस्तों। और इसको फटाफट से कर ले रहे हैं। ठंडा होने के बाद दोस्तों यही शेप ले लेगा। ये कुछ इस प्रकार से शेप ले ली है इसने और देख सकते हैं इस प्रकार से बन चुका है। अब हम आगे पीछे की लगाने के लिए पीवीसी सीट का यूज़ करने वाले हैं और इसको हम मार्किंग कर लेंगे पीवीसी सीट की। और यहाँ पर मार्किंग करने के बाद दोस्तों इसको कट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से कैंची की मदद से कट कर देंगे और सैंड पेपर से घिस भी देंगे दोस्तों। और कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं लगा लिए हमने और यहाँ पर देख सकते हैं ये बैक साइड हो चुकी है और ये आगे की साइड लगेंगी जो दो पीवीसी सीट हैं दोस्तों। और एक हम डाटा केबल लेंगे और जो कि डाटा केबल चार वायर वाली डाटा केबल है दोस्तों। और इसको हम एक नेक बैंड की मदद से इसको नार में डालने के लिए इसको कट कर देंगे। उतना ही बड़े कट कर दें जितना नार में आपकी गर्दन में लग सके दोस्तों। और इसको हम हॉल कर देंगे यहाँ पर और हॉल करने के बाद इसको स्टेट ग्लू की मदद से चिपका देंगे दोस्तों मस्त। और इस प्रकार से चिपका दिए चार वायर भी निकल चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम एक ब्लूटूथ लेके आए हैं जो कि मोबाइल की दुकान पे दोस्तों 50 रुपये में मिला है दोस्तों। इसकी ये प्लेट और ये बैटरी दोस्तों इसके साथ आई है जो कि बहुत ही मस्त काम करेगी और ये बैटरी बैकअप भी। बहुत से लोग होते हैं दोस्तों यो कि 1 PM 8403 को यूज़ करने 03 को यूज़ कर लेते हैं दोस्तों और यो कि हमें बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अमेजन से बहुत महंगे मिलते हैं और लोकल मार्केट में मिलते भी नहीं है दोस्तों। और जो कि बहुत ही और इसको चार्ज करने के लिए अलग से मॉड्यूल लेना पड़ता है और काफ़ी लगा के जब हेडफोन चलते हैं दोस्तों इससे और इसका हम यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों। जो कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं काफ़ी महंगे मिलते हैं ये और इसको इनको हम यूज़ नहीं करेंगे इसी का यूज़ करेंगे। इसको हम पहले निकाल लेंगे प्लेट को। ये प्लेट आती है इसके संग और ये सर्किट है दोस्तों। और बैटरी को भी फटाफट से निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से। बैटरी को निकालने के बाद देख सकते हैं 180 मिली एम्पियर की बैटरी है दोस्तों। और इसको हम किट को यहाँ पर इस प्रकार से ये ऑन ऑफ स्विच के लिए हम यूज़ करने वाले हैं ये अलग से डालेंगे यहाँ पर। ये 3 ऑन ऑफ स्विच लिए हैं मिनी और यहाँ पर हम इसको इस प्रकार की एक सीट में यहाँ पर इसको मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसको हॉल कर देंगे ताकि हम उसको ऑन ऑफ स्विच को यहाँ पर लगा सकें। और यहाँ पर इस प्रकार से हॉल कर लिया है। यहाँ थोड़ा सा स्टड ग्लू डालेंगे दोस्तों स्टड ग्लू को थोड़ा सा ही डालना है। ज़्यादा डालोगे तो दोस्तों अगर स्विच के अंदर चला गया तो बेकार कर देगा स्विच को। और यहाँ पर हमने कनेक्शन कर लिए देख सकते हैं और यहाँ ये ऑन ऑफ स्विच के लिए हम कनेक्शन किए हैं। और दोस्तों इसको हम वॉल्यूम भी ज़्यादा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इसको हमने ग्लूगन की मदद से चिपका दिया मस्त। अब कहीं भी नहीं निकलेगा दोस्तों। अब इस प्रकार की एक हम हेडफोन लेंगे दोस्तों जो कि 60 रुपये में हमें मार्केट से न्यू लानी पड़ी है दोस्तों। आप चाहें तो पुरानी भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास काफ़ी हेडफोन पुरानी डली होगी उसका भी हम थोड़ा प्रोफेशनल बना रहे हैं इसलिए हमने इस हेडफोन को ख़रीदा है दोस्तों। और यहाँ पर इस प्रकार से हम हॉल कर लेंगे। हॉल करने के बाद इसको यहाँ पर हेडफोन का एक वायर है दोस्तों इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से डाल के चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद दोस्तों ये किट को दोस्तों इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर डालने के से पहले दोस्तों इसको हम कट कर लेंगे। चार्जिंग के लिए कट कर दिया है यहाँ पर। कटिंग करने के बाद दोस्तों हमने यहाँ पर इसको लगाने के पहले इसको कनेक्शन कर लिए हैं। ये देख सकते हैं बैटरी के माइनस और प्लस जोड़ दिए हैं। नीचे की साइड दोस्तों हमने लेफ्ट के कनेक्शन कर दिए हैं स्पीकर के और जो कि लेफ्ट में जाएंगे और ये राइट वाले हैं आगे वाले देख सकते ये जो दोस्तों देख रहे हो R+R में। यहाँ पर दोस्तों ईयरफोन के एक स्पीकर के तार लगेंगे और यहाँ पर पहले इसको कनेक्शन करते हैं ये वाले साइड को। और यहाँ पर हमने कनेक्शन कर लिए हैं देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड है और इसको हमने कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पर बैटरी भी लगा देंगे इसके अंदर BMS लगा हुआ है और माइनस और प्लस जोड़ देंगे बैटरी के। और यहाँ पर बैटरी फिट हो चुकी है। अब हम इसको अंदर यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद इसको चालू करके देखते हैं। ये दो वायर हैं और देख सकते हैं ऑन हो चुका है ये हमारा प्लेट। और यहाँ पर हम इसकी वायर को नाप लेंगे
कितना बड़ा रखना है हमें। और स्पीकर से रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर डालने के बाद इसको गांठ मार देंगे ताकि हमारा हेडफोन के वायर खींचे ना दोस्तों, जो स्पीकर खींच के बेकार ना हो, इसलिए हम यहाँ पर गांठ मार देंगे। और ये दोनों को नाप लेंगे बराबर हैं कि नहीं है। अब हम कनेक्शन कर देंगे राइट वाले उस पर, राइट के लेफ्ट पे कनेक्शन कर दिए हैं, यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे, मस्त सोल्डरिंग कर दिया देख सकते हैं आप इसको। और यहाँ पर हम इसके अंदर लगाने के बाद ग्लूगन भर देंगे और इस प्रकार से ग्लूगन को मस्त तरीके से लगा देंगे ताकि हमारी प्लेट हिले ना। और इसको हम बैटरी को भी ग्लूगन से ही चिपकाएंगे दोस्तों, इसको हम और तार शॉर्ट ना हो इसके लिए हम ग्लूगन थोड़ा थोड़ा लगा देंगे यहाँ पर ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और यहाँ पर हम इसको पीवीसी सीट को यहाँ पर लगाने के बाद दोस्तों स्टेट ग्लू की मदद से दोस्तों इसको चिपका देंगे, मस्त चिपका चुका है। और यहाँ पर हम इसके कनेक्शन करने वाले हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं ये दोनों वायर हैं। और इसको हम कनेक्शन यहाँ पर इस प्रकार से एक यहाँ पर लगाने वाले हैं, एक यहाँ पर लगाने वाले हैं कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ऑन ऑफ चालू हो चुका है दोस्तों, अब हम सारे कनेक्शन इसी प्रकार से कर लेंगे जो कि हमें लेफ्ट राइट हमें गाने करने पड़ते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम देख सकते हैं आप कनेक्शन और कुछ इस प्रकार से। अब हम इसको अंटा लगा देंगे, अंटा लगाने के बाद दोस्तों इसको हम बंद कर देंगे इस प्रकार से, यहाँ पर रख के इस प्रकार से इसके अंदर यहाँ पर लगा देंगे। अब हम स्टेट ग्लू इसी की मदद से दोस्तों चिपका देंगे। और यहाँ पर हमने एक हॉल कर दिया है ताकि हमारी आवाज़ जा सके इसके अंदर, माइक लगा हुआ है। अब हम फटाफट से इसको पेंट कर देंगे। पेंट करने के बाद इसको फटाफट से इसको चला के देखते हैं। यहाँ पर हमने एक वो या माइक रखा है अपना और यहाँ पर हम ऑन करते हैं, ऑन की आवाज़ सुन सकते हो। और ये इस प्रकार से लाइट जल रही है इसके अंदर। और यहाँ पर हम फटाफट से इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर इसको ब्लूटूथ को ऑन करते हैं फोन के। और यहाँ पर हम इस प्रकार से ये देख सकते हैं NBT ब्लूटूथ आ चुका है। अब यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट की आवाज़ सुन सकते हो। अब हम गाना भी बजा के पहले गाने की आवाज़ सुनिए। दोस्तों इसको चार्ज भी करके देख सकते हैं। और यहाँ पर हम पिन को लगाते हैं और यहाँ पर रेड कलर की LED जल चुकी है देख सकते हैं आप। और यहाँ पर इस प्रकार से गाने आप सुन सकते हो इसके साउंड। अभी हम अपने ये बोया M1 माइक दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा है, अब हम अपने फ़ोन के माइक से सुनाएंगे अभी आपको। चलिए इसको फ़ोन के माइक से सुनाते हैं आपको। और यहाँ पर हमने गाना लगा लिया है और ये माइक लगाते हैं हम इसके अपने फ़ोन के माइक पर। अब हम आवाज़ भी कम ज़्यादा करके देखेंगे। एक स्पीकर को हमने माइक अपने फ़ोन के माइक पर लगा दिया है, आप इसके साउंड सुन सकते हो। ब्लूटूथ की स्पीकर की माइक भी हम आवाज़ कम कर रहे थे दोस्तों, तो देख सकते हैं इसकी आवाज़ भी कम हो चुकी है। अब हम फुल बढ़ा रहे हैं और जैसे ही बढ़ रही है दोस्तों, ये जो दोस्तों ये देख रहे हो यही काम कर रहा है। और यहाँ पर हम इसको बंद करते हैं फटाफट से, ये देख सकते हैं यहाँ पर हम एक स्विच दिया है, यहाँ पर बंद करके चालू कर सकते हैं। और यहाँ पर गाने सुन सकते हो, स्पीकर बंद फिर चालू। और देख सकते हैं दोनों का साउंड सुना के दिखाते हैं आपको फटाफट से और फिर बताना आपको। और ये हमने यहाँ पर स्पीकर को लगा दिया है मोबाइल के। ये रहा दोस्तों ब्लूटूथ, और आप देख सकते हैं आई होप दोस्तों ये ब्लूटूथ आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।